ओके स्टूडेंट, सो एग्जांपल 21, 25, 100% करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू एग्जांपल नंबर 22. इन ए पार्टी ईच पर्सन डू हैंडशेक विद द अदर पर्सन. इफ अ टोटल ऑफ 210 हैंडशेक्स अकर्स, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द पार्टी. हे स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया है एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं. यदि हैंडशेक्स की कुल संख्या 210 है तो बताएं पार्टी में कितने व्यक्ति थे. राइट स्टूडेंट, सो सी हियर स्टूडेंट, हे हैंडशेक के लिए दो व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, तो कंडीशन है टू. तो लेट नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू एन, और कंडीशन है दो. हैंडशेक के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है. सो एनसी टू इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक. सो ये क्वेश्चन में हमें गिवन है. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो एन की वैल्यू होगी वही आंसर है. सो एन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इन टू एन माइनस टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू 210. राइट, सो एन सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल. राइट स्टूडेंट, सो ये एन माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया एन इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू 420. इक्वेशन नंबर वन. हे स्टूडेंट, इसको सॉल्व ना करिए, जो ऑप्शन एन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर है. तो अगर एन की वैल्यू 14 करेंगे तो 14 इंटू 13 420 नहीं आएगा, सो ये संभव नहीं है. अगर 18 पुट करेंगे तो 18 इंटू 17 420 नहीं आता है, सो ये भी पॉसिबल नहीं है. अगर एन की वैल्यू 21 रखें तो 21 इंटू 20 है. व्हेन एन इज इक्वल टू 21, देन 21 इंटू 20 इज इक्वल टू 420 है. सो 420 इज इक्वल टू 420. देयरफोर पार्टी में कितने व्यक्ति थे? 21. राइट, सो आंसर इज ऑप्शन डी. एग्जाम्पल नंबर 23. अ पर्सन हैज 12 फ्रेंड्स इन विच 7 आर रिलेटिव्स. इन हाउ मेनी वेज ही कैन इनवाइट 6 पर्सन इन विच एटलीस्ट 4 रिलेटिव्स आर देयर. ये देखो, तो स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया गया है एक व्यक्ति के पास 12 दोस्त है जिसमें से 7 रिलेटिव्स हैं, उनके संबंधी हैं. तो कितने तरीकों से वह 6 व्यक्तियों को निमंत्रण दे सकता है यदि उसमें से कम 4 रिलेटिव्स हो, संबंधी हो. राइट स्टूडेंट, देखो तो स्टूडेंट टोटल 12 फ्रेंड्स हैं, तो 12 फ्रेंड्स में 7 रिलेटिव्स हैं. राइट ना, और 5 कोई अन्य पर्सन है. हे राइट, और प्लस 5 एक्चुअल में फ्रेंड्स हो गए. हे हैज 12 फ्रेंड्स इन विच 7 आर रिलेटिव, मतलब फ्रेंड्स एंड रिलेटिव दोनों है वो, तो 7 और 5 है. इन हाउ मेनी वेज ही इनवाइट 6 पर्सन इन विच एटलीस्ट 4 रिलेटिव. राइट, हे 6 लोगों को इनवाइट करना है जिसमें से कम 4 रिलेटिव हो. राइट स्टूडेंट, सो देखो इसमें क्या क्या पॉसिबल है. हे 6 पर्सन की टीम बनानी है, तो स्टूडेंट ध्यान से देखना ये क्या क्या टोटल नंबर ऑफ बेस इज इक्वल टू, देखते हैं क्या क्या केस बनेगा. हे अगर 4 रिलेटिव को इनवाइट करे तो 2 फ्रेंड को इनवाइट करना पड़ेगा, दिस इज द फर्स्ट केस. और इफ 5 रिलेटिव देन 1 फ्रेंड, और 6 रिलेटिव एंड 0 फ्रेंड. सो स्टूडेंट केवल और केवल यही 3 केसेज संभव है. हे 4 रिलेटिव और 2 फ्रेंड, 6-6 का ग्रुप है. अब देखो 4 रिलेटिव 7 रिलेटिव्स में, तो पहले पार्ट का आंसर होगा 7C4 इनटू 5 फ्रेंड 2 फ्रेंड में से 5C5 और मींस प्लस. हे यहां 3 डिफरेंट केसेस पॉसिबल है स्टूडेंट. 5 रिलेटिव आउट ऑफ 7, सो 7C5 इनटू 5C1. ओके स्टूडेंट, सो अब और का मतलब प्लस होता है 6 रिलेटिव आउट ऑफ 7, सो 7C6 इनटू 0 फ्रेंड आउट ऑफ 5, सो 5C0. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू
3 factorial, right, into 5 factorial divided by 2 factorial into 3 factorial. ये NCR के फॉर्मूला से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, 7 factorial divided by 5 factorial into 2 factorial, 5 factorial divided by 1 factorial into 4 factorial, 7C6 means 7 factorial divided by 6 factorial into 1 factorial, 5 factorial divided by 0 factorial into 5 factorial. Hey student, NCR का जो basic factorial formula है उससे हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, राइट, ओके. अब इसको सॉल्व करो स्टूडेंट. 7 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल, सो 7 इंटू 6 इंटू 5 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल का एक्सपेंशन है 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल से नीचे कैंसिल हो जाएगा, सो 2 इंटू 1, 7 इंटू 6 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगी 2 इंटू 1, 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 5 फैक्टोरियल कैंसिल, सो इंटू 1, सो 3 टू जा 6 कैंसिल 35 इंटू 5 टू जा 10 प्लस 2 3 जा 6 21 इंटू 5 प्लस 7, सो 35 10 जा 350 प्लस 105 प्लस 7. ये स्टूडेंट इसको ऐड करेंगे तो 455 प्लस 7 462. सो टोटल नंबर ऑफ वेज 462. ऑल राइट, सो 23वें का आंसर है ऑप्शन बी. हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन अ चेस बोर्ड? चेस बोर्ड में कुल कितने आयत होते हैं? हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन अ चेस बोर्ड? चेस बोर्ड में कुल कितने आयत होते हैं? देखो स्टूडेंट, हम कॉम्बिनेशन की मदद से इसका आंसर निकालेंगे. ये जरा देखना है स्टूडेंट कि हमें रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या चाहिए. रेक्टेंगल बनाने के लिए 2 हॉरिजेंटल लाइन चाहिए और 2 वर्टिकल लाइन चाहिए. सो कंडीशन है 2. चेस बोर्ड का जो साइज होता है, हे जो साइज होता है बड़ा सा, वो 8x8 का होता है. हे 8 बॉक्स हॉरिजेंटल 8 बॉक्स वर्टिकल. लेकिन अगर आप चेस बोर्ड में देखोगे तो कुल 9 हॉरिजेंटल लाइंस है एंड 9 वर्टिकल लाइंस. ये चेस बोर्ड कंसिस्ट ऑफ साइज 8x8 बट 9 वर्टिकल्स लाइन एंड 9 हॉरिजेंटल लाइंस. अब हमें रेक्टेंगल बनाने के लिए 2 हॉरिजेंटल और 2 वर्टिकल लाइन की जरूरत है. सो देखो, नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन ए चेस बोर्ड इज इक्वल टू, हे टोटल 9 हॉरिजेंटल लाइन है, 9 में से 2 सेलेक्ट करेंगे 9C2, और इससे हमें हॉरिजेंटल बाउंड्री प्रिपेयर हो जाएगा. एंड फिर 9 वर्टिकल लाइन में से 2 सेलेक्ट करेंगे तो इससे हमें वर्टिकल बाउंड्री प्रिपेयर हो गया, और इस तरीके से सारे रेक्टेंगल बन गए. इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, 9 माइनस 2, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल. सो 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल. ये इसको 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल. सो स्टूडेंट, 7 फैक्टोरियल कैंसल, 9 8 जा 72 अपॉन 2 36, सो 36 इंटू 36 दैट इज 1296 रेक्टेंगल्स आर देयर इन ए चेस बोर्ड. एग्जाम्पल नंबर 25. ए स्टूडेंट हैज टू ऑफर 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स फॉर ए कोर्स, नेमली कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2. मैथमेटिक्स 2 कैन बी ऑफर्ड ओनली इफ मैथमेटिक्स 1 इज ऑल्सो ऑप्टेड. फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट्स विच कैन बी ऑप्टेड. राइट स्टूडेंट, सो क्वेश्चन में दिया है एक विद्यार्थी को 5 विषयों में से 2 विषयों का चयन करना है, और 5 विषय है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2. आगे दिया है मैथमेटिक्स 2 तभी दिया जा सकता है यदि उसके पास मैथमेटिक्स 1 भी है. तो बताना है ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं. राइट स्टूडेंट, ये देखो हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2. टोटल 5 सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है और 5 में से मुझे 2 चाहिए. राइट स्टूडेंट, ये बट एक कंडीशन है कि मैथमेटिक्स 2
विल बी गिवन ओनली इफ मैथ्स वन इज देयर. हे स्टूडेंट, अगर आप 5C2 करोगे तो ये गलत हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में करते हैं. देखो, हो सकता है कि स्टूडेंट कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स को सेलेक्ट कर ले, दूसरा कॉम्बिनेशन बन सकता है कॉमर्स एंड स्टैटिस्टिक्स का, तीसरा कॉमर्स एंड मैथ्स वन का. लेकिन याद रहे स्टूडेंट्स, कॉमर्स एंड मैथ्स टू अलाउड नहीं है, क्योंकि मैथ्स टू तभी मिलेगा जब आपने मैथ्स वन भी लिया है. देखो, चौथा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, पांचवा इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स वन, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स टू अलाउड नहीं है. छठा कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स वन, और सातवा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, मैथ्स वन अगर लेगा तो मैथ्स टू भी स्टूडेंट को दिया जा सकता है. सो आंसर इज हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, आंसर इज 7 कॉम्बिनेशन. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, मूव टू एग्जांपल नंबर 26. इन ए टूर्नामेंट 14 टीम्स प्ले लीग मैचेस. इफ ईच टीम प्लेज अगेंस्ट एवरी अदर टीम वंस ओनली, देन हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड. ये स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया है, एक टूर्नामेंट में 14 टीम हिस्सा ले रही है, यदि प्रत्येक टीम दूसरे टीम से खेलती है तो बताएं इस टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेले जाएंगे. हे स्टूडेंट, आंसर वेरी सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू, ये लिखा है प्रत्येक टीम दूसरे टीम से खेलती है, इसका मतलब है एक मैच के लिए दो टीम की आवश्यकता है, तो कंडीशन हो गया दो, और टोटल हमारे पास कितने टीम्स है, 14. सो 14C2 इज द आंसर. हे 14 टीम में से दो दो के कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं. दो कहां से आया, क्योंकि एक मैच के लिए दो खिलाड़ियों की, दो टीम की जरूरत है. इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, और यही आंसर है, 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 14 माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट. सो 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, इसको ब्रेक लगा दिया यहां पे, सो 2 इंटू 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल स्टूडेंट कैंसल हो गया, सो 7 इंटू 13 डेट इज 91 टोटल मैच खेले जाएंगे, ऑप्शन बी. ये स्टूडेंट हमने यहाँ पे जो बेसिक फॉर्मूला यूज किया है, NCR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. तो जब भी क्वेश्चन चयन से संबंधित है, सिलेक्शन से संबंधित है, कमिटी से संबंधित है, कॉम्बिनेशन से संबंधित हो, टीम फॉर्मेशन, ग्रुप फॉर्मेशन, ऑलवेज यूज कॉम्बिनेशन NCR फॉर्मूला. 27. ईच पर्सन्स परफॉर्मेंस कंपेयर्ड विथ ऑल अदर पर्सन्स इज टू बी डन टू रैंक देम सब्जेक्टिवली. हाउ मेनी कंपैरिजंस आर नीडेड इन टोटल इफ देयर आर 11 पर्सन्स. क्वेश्चन में दिया है, प्रत्येक व्यक्ति का परफॉर्मेंस से सभी व्यक्तियों के रैंक से कंपेयर किया जाता है. ए, फिर से पढ़ता हूं हिंदी में, प्रत्येक व्यक्तियों का परफॉर्मेंस से सभी व्यक्तियों से तुलना की जाती है. तो हाउ मेनी कंपैरिजंस, ये कुल कितने कंपैरिजन संभव है यदि कुल 11 व्यक्ति है. ए स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया हुआ है कुल 11 व्यक्ति, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, टोटल 11 पर्सन है. और पहले ये प्रत्येक का परफॉर्मेंस से सभी लोगों से कंपेयर किया जाता है. ये इसका मतलब, मैं अगर केवल पहले व्यक्ति की बात करूं तो पहले व्यक्ति का परफॉर्मेंस से 10 व्यक्तियों से कंपेयर किया जा सकता है. समझ में आ रहा है ना, राइट ना. तो इसका मतलब है, परफॉर्मेंस को अगर हम कंपैरिजन करें तो एट ए टाइम हमें दो लोगों की जरूरत है, राइट. तो सीधा सीधा लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस इज इक्वल टू, कुल 11 है और परफॉर्मेंस को एट ए टाइम दो लोगों को कंपेयर किया जाता है, सो 11C2 इज द आंसर, राइट. 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल एक्सपेंड कर रहा हूँ, 2 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 कैंसल आउट, सो 11 इंटू 5, सो आंसर इज 55, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. ओके स्टूडेंट, सो हम कॉम्बिनेशन संचय से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. 28. अ पर्सन हैज 4 क्वाइंस ईच ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन.
What is the number of different sums of money the person can form using one or more coins at a time? ये स्टूडेंट प्रश्न में दिया है, एक व्यक्ति के पास चार अलग अलग मूल्य के सिक्के हैं, तो वह इन सिक्कों की मदद से कितने अलग अलग प्रकार के योगफल बना सकते हैं, कितने अलग अलग प्रकार के सम्स बना सकते हैं। स्टूडेंट ये चार सिक्के हैं और इनकी मदद से कुल कितने सम्स ऑफ मनी बनाए जा सकते हैं, कुल कितने अलग अलग धन बनाए जा सकते हैं इनकी मदद से। हे स्टूडेंट, मान लो एक रुपये वाला कॉइन्स है, टू रुपीज का कॉइन्स है, फाइव रुपीज का कॉइन्स है और टेन रुपीज के कॉइन्स है, तो ये चार अलग अलग कॉइन्स है। क्वेश्चन में पूछा है इनकी मदद से कुल कितने अलग अलग डिफरेंट सम्स बनाए जा सकते हैं। सम्स का मतलब है, देखो स्टूडेंट, ये एक का ग्रुप, फिर दो दो का ग्रुप, फिर तीन तीन का ग्रुप, फिर चार चार का ग्रुप, राइट स्टूडेंट? तो सीधा सीधा आंसर है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू, हे देखो, हे चार है टोटल, तो 4C1 है, इसका मतलब चार में से एक एक के कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं, 4C1 है इसका। इस पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट चार, और चार का मतलब एक रुपया, दो रुपया, पांच रुपया और दस रुपया, तो ये चार जो है अलग अलग है। अब चार में से दो दो का ग्रुप कितना बनेगा, 4C2, फिर चार में से तीन तीन का कॉम्बिनेशन कितने तरीकों से बनाया जा सकता है, 4C3, और चार में से चारों का कॉम्बिनेशन कितने तरीके से, 4C4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 4 factorial divided by 1 factorial into 3 factorial, NCR फॉर्मूला, 4 factorial upon 2 factorial into 4 minus 2, 2 factorial, 4 factorial upon 3 factorial into 4 minus 3, 1 factorial, plus 4 factorial divided by 4 factorial into 0 factorial, right student? NCR का फॉर्मूला लगा दिया, so 4 into 3 factorial divided by 3 factorial, plus 4 into 3 into 2 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial, right? 4 into 3 factorial divided by 3 factorial, right स्टूडेंट? सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 4 factorial 4 factorial कैंसल, सो ये आ गया 4 प्लस 2 फैक्टोरियल कैंसल, सो 2 3 जा 6, प्लस 3 फैक्टोरियल कैंसल प्लस 4, और लास्ट का मान कैंसल होकर के 1 बचा है, सो आंसर है स्टूडेंट 15 डिफरेंट सम्स ऑफ मनी बनाए जा सकते हैं, सो आंसर है बी। ऑल राइट स्टूडेंट, सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस 3 मेजर टॉपिक्स। पहला टॉपिक डिस्कस किया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गिनती के सिद्धांत, और उससे संबंधित बहुत सारे एग्जांपल्स। दूसरा हमने डिस्कस किया बेसिक्स ऑफ परम्यूटेशन, परम्यूटेशन पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन, और आप सबने देखा एफपीसी की मदद से परम्यूटेशन के सारे बेसिक क्वेश्चन हो रहे हैं। तीसरा और आखिरी टॉपिक हमने कॉम्बिनेशन संचय डिस्कस किया, ऑल राइट, और कॉम्बिनेशन में एक बेसिक फॉर्मूला है NCR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ऑल राइट, ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।